जो भी पद पद के लिए है वो अच्छा आदमी होना चाहिए, जिसमें कोई आरोप नहीं हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो। एम पे तो कितना आरोप है। लिखे आदमी को होना चाहिए, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, खुद पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए। अगर खुद पढ़ा लिखा नहीं होगा तो देश को क्या एजुकेशन करेगा, सिस्टम को। ऐसे तैसे दागी लोग को नहीं देना चाहिए। शिक्षा मंत्री का पद देना तो सही नहीं है, लेकिन अब लोग दे रहा है तो क्या कहा जाए उसको। तो जब तक सिद्ध नहीं हो जाता आरोप, तो मुझे नहीं लगता कि अपना कुछ उसमें मत देना। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जहाँ तक मेवालाल जी का सवाल है, तो उन पर ये आरोप पुराना लगा हुआ है। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। आज हम फिर से जनता के बीच निकले हैं जनता की बातें जानने के लिए। कुछ मुद्दे आज भी हैं जो कि आज के जो है हॉट टॉपिक्स में से एक हैं, तो आइए जानते हैं जनता से। सर, मेवालाल चौधरी जिन्हें अभी शिक्षा मंत्री का पद दिया गया है, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, उसके बावजूद भी उन्हें जो है एक तरह से कह सकते हैं उन्हें क्लीन चिट दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जहाँ तक मेवालाल जी का सवाल है, तो उन पर ये आरोप पुराना लगा हुआ है। ठीक है, आरोप लगना और आरोप साबित होना दोनों अलग अलग चीज़ है। तो उनको एक समय दिया जाएगा, उनको बुलाया गया है सीएम हाउस, वो आएंगे, वहाँ पे अपना वो पक्ष रखेंगे। आरोप लगा देना और आरोप साबित कर देना दो अलग अलग चीज़ है। अभी उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप लगा है। आरोप बहुत बार आपको बहुत से लोगों पे लगा है कि सर्जन घोटाला में ये हुआ वो हुआ, लेकिन हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। तो सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, उसको साबित भी करना होता है। विपक्ष का बहुत सा आरोप है, वो लगता ही रहेगा। 2017 की बात आपको याद है, 2017 में भी यही आरोप लगा के जो है नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से अलग हुए थे। तो वो तो साबित हो गया था ना, वो तो आपको चिड़ियाखाना में 2 करोड़ के मट्टी का घोटाला था, और भी उनके ऊपर बहुत सारा आरोप लगा था, आय से अधिक सी संपत्ति का मामला था, फिर 2000 करोड़ का वो जो बोरिंग रोड में मॉल बन रहा था, वो तो साबित हो गया था ना आरोप। ये अभी आरोप साबित नहीं हुआ है, अभी आरोप लगा है। तो लगने में आरोप साबित होने में बहुत अंतर है। तो आपके हिसाब से आरोप लगना अलग चीज़ है और आरोप साबित होना एक अलग चीज़। आरोप लगाने का मतलब ये होता है ना मैडम, कि हम आपको बोल देंगे कि आपने उसका मर्डर किया है, ये आप पे आरोप लगा। अब इसके लिए कोर्ट है, पुलिस है, वो आप पे ना आरोप साबित करेगी। हम तो बस आरोप किसी पे लगा सकते हैं। आज जो है उन्हें पदभार दिया जा रहा है, उन्हें जो उस पद की वो शपथ लेंगे, उन्हें वो पदभार दिया जाएगा। कार्यवाही अभी तक हुई नहीं है, शुरुआत भी नहीं हुई, इसके पहले उन्हें पदभार देना तो ये सही है? तो उसके लिए तो सीएम साहब ने उनको बुलाया है ना घर पे, शायद आपको जानकारी नहीं होगा, उसके लिए उनको तलब किया गया है सीएम हाउस। वो जाएंगे वहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद जैसे आगे होगी वो कार्रवाई होगी उनसे। सर, सीएम साहब से उनकी मुलाकात भी हो गई है, एक बात मैं आपको बता दूं। ओपनली मुलाकात होना अलग बात है, अलग से टाइम दिया गया है, तो कोई तो बात होगी जिनसे उनको अलग से टाइम दिया गया है। उनको बुलाया गया है सीएम हाउस पे, वो जाएंगे अपना पक्ष रखेंगे वहाँ पे। सर, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? मेरा कहना है कि कन्विक्शन और किसी पर लांछना लगाना दोनों अलग चीज़ें हैं। तो जब तक सिद्ध नहीं हो जाता आरोप, तो मुझे नहीं लगता कि अपना कुछ उसमें मत देना। कोई तर्क सिद्ध होने से पहले उन्हें पद की जो है पदभार दे देना, वो सही है? बिल्कुल है, क्योंकि लोकतंत्र में तो यह भी है कि डेमोक्रेसी में कि जब तक आप कन्विक्ट हो गए तो वो एक अलग चीज़ है। अगर किसी पर आरोप, क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? बिल्कुल, आरोप तो बहुत आरोप तय होना और जजमेंट होना दोनों दो चीज़ें हैं। अनंत सिंह जी चुनाव लड़े थे ना, तब फिर तो डेमोक्रेसी में ये नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो न्याय संगत बात होंगी वो कहेंगे। ऐसे मंत्री को शिक्षा पद देना, ऐसे मंत्री को जिन पे कुछ आरोप लगा हुआ है, जिस पे अभी कार्यवाही हुई नहीं है, वो सही है? शिक्षा बहुत मायने रखता है हमारे देश के लिए। मेरा इस पे यही कहना है कि एक कुछ ना कुछ उनके तो अपने सोच और विवेक तर्कपूर्ण ढंग से ही सोच के उन्होंने दिया होगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छा ही मतलब स्टेप रहा होगा। सर, आप लगातार हमारी बातें सुन रहे थे, आपको इस पर क्या कहना है? ये जो चीज़ें हो रही है, किसी ऐसे मंत्री को पद देना जिन पे कुछ आरोप लगा हुआ है, वो भी संगीन आरोप है कि वो नौकरी घोटाले में संलिप्त हैं, 420 का आरोप और भी तमाम चीज़ें हैं, इसके बाद उन्हें शिक्षा मंत्री का पद देना, वो सही है? शिक्षा मंत्री का पद देना तो सही नहीं है, लेकिन अब लोग दे रहा है तो क्या कहा जाए उसमें। सही नहीं है। सही नहीं है सर, क्यों सही नहीं है?
सही नहीं है कि उनका आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आरोप सिद्ध होगा तब कुछ किया जाएगा। आरोप तो बहुत लोग पर लगता है लेकिन सिद्ध हो कहाँ पाता है। उस पर आपका क्या कहना है कि उन्हें मंत्री पद देना सही है, शिक्षा का वो भी? ऐसे तैसे दागी लोग को नहीं देना चाहिए, ऐसे दागी लोग को नहीं देना, नहीं देना चाहिए कि शिक्षा का माहौल और बर्बाद हो जाएगा। जैसा कि विपक्ष वाले लोग तो इसको नकारात्मक में ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, तो शिक्षा का स्तर वो गिरते चला जाएगा, शिक्षा का स्तर गिरते चला जी। 2017 में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पे जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अलग हुए थे, अब ऐसे मंत्री को पद देना, वो भी शिक्षा का पद देना, कितने हद तक सही और गलत है? तो सही नहीं है, सही नहीं है जी, नहीं। तो सर ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बिल्कुल भी सही नहीं है किसी ऐसे मंत्री को पद देना जिन पे किसी बहुत जो कह सकते हैं कि उन पे दाग है, उनके चरित्र की बात नहीं कह सकते लेकिन उनके पॉलिटिकल जो है करियर पर जो दाग है, ऐसे मंत्री को नहीं देना चाहिए। एक एक करके हम पूछेंगे। सर आपका क्या कहना है कि मेवालाल चौधरी के बारे में जिन्हें शिक्षा मंत्री का पद दिया गया है, उन पर जो है आरोप लगाए गए हैं कि वो नौकरी घोटाले में शामिल हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अब शामिल है तो हम लोग क्या करें भाई, सरकार जब उन्हीं की बनी है, उन्हीं लोग के हाथ में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बने वो हम लोग के लिए अच्छा ही है ना। सब लोग बेरोजगार बैठे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, बेरोजगार बैठे हुए हैं। लेकिन किसी ऐसे मंत्री को पद देना जो किसी न किसी घोटाले में जिन पर आरोप लग रहे हैं और आज जो है उनको उस पद का जो है पदभार भी दिया जाएगा, तो सही है या गलत है? ये तो सही नहीं है, सही नहीं है, नहीं सही नहीं है। हमें जो भी पद के लिए है वो अच्छा आदमी होना चाहिए, जिसमें कोई आरोप नहीं हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, इन पर तो कितना आरोप है। सर ने कहा कि ऐसे मंत्री को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए जिन पे बहुत सारे आरोप हैं, और लगातार हम जनता से बातें कर रहे हैं, जनता से बातें करते हुए हमने जो तमाम बातें हैं वो जान रहे हैं, उनके जो शब्द हैं वो आपके सामने पहुंचा रहे हैं। सर मेवालाल चौधरी के बारे में आपको पता है? हाँ, जिन्होंने भी जनमना कराया था, गलती कहा था वो, शिक्षा मंत्री का पद उन्हें दिया गया है, ये गलत है और उन पे आरोप भी है। पढ़ा लिखा आदमी को होना चाहिए, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, खुद पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए। अगर खुद पढ़ा लिखा नहीं होगा तो देश को क्या एजुकेशन करेगा, सिस्टम को ठीक करेगा? सर लेकिन उन पे जो आरोप है वो है कि वो नौकरी घोटाले मामले में शामिल हैं, ये उन पे आरोप लगाए गए हैं और ये विपक्ष की तरफ से लगातार जो इन पे बहुत सारी धाराओं को लेकर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो इन सब धाराओं में संलिप्त हैं। फिलहाल तो वो सरकार में है तो उन पे तो कोई कार्रवाई होगी नहीं, जिस दिन वो विपक्ष में जाएंगे उस दिन जरूर उन पे कार्रवाई होगी। जिस दिन वो विपक्ष में जाएंगे, हाँ, क्योंकि सरकार में है तो उन पे कार्रवाई तो होगी नहीं, ये निश्चित है। भले उनको ऐसे किसी नेता को पद से निष्कासित कर दिया जाए लेकिन किसी घोटाले में उनको कुछ सजा वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। सर आज उन्हें पदभार दिया जा रहा है शिक्षा मंत्री का, तो वो कितनी हद तक सही है? उनको तो ऐसे लोगों से पार्टी में ही नहीं रहना चाहिए, निकाल देना चाहिए था। हाँ, सर का कहना है कि ऐसे लोगों को पार्टी में ही नहीं रहना चाहिए जो दागी हैं, जिन पर कुछ आरोप लगाए गए हैं, उन पे पहले आरोप की जो है जांच होनी चाहिए कि आरोप सही है कि गलत, इसके बाद जो है उसके बाद ही उन पर कुछ निर्णय लेना चाहिए। तो जैसा कि आपने जनता की बातें सुनी, जनता ने क्या कुछ कहा, मेवालाल चौधरी जैसे मंत्री को कुछ लोगों ने कहा कि पद और पार्टी से भी निकाल देना चाहिए, अगर वो आरोपी हैं, किसी चीज़ों में संलिप्त हैं तो उन्हें पार्टी में भी नहीं रखना चाहिए। शिक्षा मंत्री जैसा पद जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पद है हमारे बिहार के लिए और अन्य जो देश है देश के लिए भी महत्वपूर्ण है ये पद, क्योंकि यही जो है शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो आने वाले लोगों की, आने वाले जो युवा लोग हैं उनकी भविष्य का जो निर्माण होता है, निर्माण किया जाता है, वो शिक्षा से ही शुरुआत की जाती है। तो भारत लाइव ऐसे ही जो है जनता की बातें आपके सामने रखेगी, ऐसे ही उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही हमारी हर वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एक बात और, हम कुछ चीज़ें जो है, कुछ कंटेंट हमारे जो होते हैं वो फेसबुक पे भी जाते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, वहाँ पे जाइएगा तो कुछ और नई तरह के जो न्यूज़ हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वो ये एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर वह मुफ्त में मिल जाए।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।